हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे और ठंड से बचे। ठीक है, सर्द बहुत है, ठंड बहुत ज़्यादा है, सर्दी हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे कैसे? ठीक है ना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है ना, रेशे से कपड़े कैसे बनते हैं, या और उसके कुछ हम आपको भाग के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रॉम फाइबर टू वूल, रेशे से ऊन। ठीक है, चैप्टर 3 चल रहा है आपका। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ऊन को प्राप्त करने के लिए शीप आर रियर्ड, भेड़ को पाला जाता है। देयर हेयर इज कट, और उनके बालों को काटा जाता है। एंड प्रोसेस्ड इन टू वूल, और उनको संसाधित किया जाता है। ठीक है ना, उनको उनको संसाधित भी किया जाता है, या तो आप ऐसे कर लीजिए कि प्रोसेस्ड किया जाता है। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को आइए हम सभी जानते हैं। ठीक है, सीखते हैं, जानते हैं इनके बारे में। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, रेयरिंग ऊन का पालन पोषण और प्रजनन। ठीक है ना, उनका पालन पोषण और प्रजनन। इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, आर प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। ठीक है ना, इसमें ये कह रहा है यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ यात्रा करते हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूके जिसे हम लोग कहते हैं, उत्तरांचल हो गया, यूए, उत्तरांचल प्रदेश, हाँ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, अथवा प्लेन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के प्लेन क्षेत्रों में, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो आप यू कैन सेफर्ड, सेफर्ड मीन्स क्या होता है, चरवाह होता है, चरवाह। यदि बच्चों आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो चरवाह तो आप देखते होंगे, जैसे गाय चलाने वाला, बकरी चलाने वाला, भैंस चलाने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सेफर्ड कहते हैं। ठीक है ना, टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। हर्ड ऑफ शीप मीन्स क्या होता है, भेड़ों का झुंड कहते हैं, जैसे लड़कियों के झुंड को हम क्या कहते हैं, बेबी ऑफ गर्ल। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से सबके झुंड का अलग अलग वर्ड मीनिंग होता है। तो इसका क्या हो गया, जो भेड़ का जो समूह है, भेड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं, जैसे बेईमानों के समूह को हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ क्रुक्स कहते हैं, तो इसी प्रकार से भेड़ों के समूह को, झुंड को हम क्या कहते हैं, हर्ड ऑफ शीप कहते हैं, फॉर ग्रेजिंग। चरवाह को आप भेड़ों के झुंडों को चराते हुए देखा है, यह होगा। शीप आर हेर्बिवोरस, जो भेड़ होते हैं वो क्या होती हैं, हेर्बिवोरस, शाकाहारी होती हैं, एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग। अच्छा, हेर्बिवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स, वह जो भेड़ होते हैं वो पत्तियां और घास को खाना पसंद करती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियर्स आल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ ऑयल सीड। अ पार्ट ऑफ ग्रेजिंग शीप यानी कि भेड़ों के
भेड़ों को चराने के अलावा जो चरवाहा होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ गाय भैंस है, तो उसको आप चराने के अलावा और तो कुछ भी व्यवस्था करते हैं घर पे कि ऐसे वो आती है बस वैसे खड़ी रहती है? ऐसा तो नहीं है ना कि वो आप चरा के ऐसा बस खड़ी रहे, वो कुछ खाए ना, बस जुगाली करती रहे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। तो उन लोग क्या करते हैं, चराने के अलावा क्या करते हैं, रियर्स आल्सो फीड देम, उन्हें क्या करते हैं, भोजन भी देते हैं। क्या किस प्रकार के भोजन देते हैं, मिक्सर ऑफ पल्सेस है, दालों का मतलब मिश्रण देते हैं उसको, कॉर्न की मक्का दिखे ना वो देते हैं, ज्वार, आयल केक। फिर क्या करते हैं, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ आयल फ्रॉम सीड, खली देखे हैं, खली। जैसे मान लीजिए कि गांव में आप देखे होंगे या तो मतलब तेल पिरवाने जब जाते होंगे, तो सरसों देखा है, मस्टर्ड, तो मस्टर्ड में जो उसका होता है, जो सरसों होता है, जो सीड होता है, उसमें से आयल निकल जाता है और उसका जो होता है खली बचता है, तो उसी को क्या करते हैं चरवाहे लोग, कई प्रकार के जो आयली वाले जो जो आयली वगैरह हो गए, ठीक है ना, जो आयली सीड हो गए, उसको मतलब कि तेल निकाले के उसको क्या देते हैं, खली उसका देते हैं, ठीक है ना। एंड मिनरल्स, और उसको खनिज पदार्थ भी देते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ड इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स ग्रेन एंड ड्राई फोडर। इन विंटर यानी कि ठंडियों में क्या करते हैं, भेड़ों को वो अंदर बांधते हैं, अंदर बांधने के साथ साथ क्या करते हैं, आर केप्ड इंडोर हैं, फीड ऑन लीव्स, उन्हें पत्तियां देते हैं खाने के लिए, ग्रेन अनाज भी देते हैं, ड्राई फोडर सूखा चारा भी देते हैं। सॉरी, शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। शीप जो है, भेड़ है, वो हमारे देश देश के कई हिस्सों में पाया जाता है, कई भागों में पाया जाता है। सर्टेन ब्रीड ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। निश्चित रूप से जो ब्रीड हैं, जो उनके मतलब भेड़ों की जो नस्लें हैं, उनके ऊपर ना कोट ऑफ थिक ऑन देयर बॉडी, यानी कि उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, मोटे परत का ऊन पाया जाता है, रोए पाए जाते हैं ना, विच जो कि यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब कि अच्छे गुणवत्ता वाले और अधिक से अधिक मात्रा में क्या देते हैं, ऊन देने का काम करते हैं, ऊन की उपज करते हैं। यील्डिंग मीन्स क्या होता है, यील्ड मीन्स क्या होता है, ऊन की उपज करना, पैदा करना, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, गुड क्वालिटी यानी कि अच्छी गुणवत्ता में, और ऊन इन लार्ज क्वांटिटी, जो ऊन है उसको ज़्यादा मात्रा में ऊन भी देते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, और पहले से ही ये उल्लेखित मतलब कि कर दिया गया है, द शीप आर सिलेक्टिवली ब्रेड विथ, जो शीप है वो क्या है, वो मतलब कि पहले से ही सिलेक्ट कर लिया गया है, या मतलब कि पहले से ही उसको मतलब कि सिलेक्टिवली पाला जाता है। विथ वन पेरेंट बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रेड, ठीक है, उनके माता पिता में से, उनके पेरेंट्स में से भेड़ एक अच्छी नस्ल है, ठीक है, उनके माता पिता में से भेड़ एक अच्छी नस्ल है, या मतलब कि भेड़ की अच्छी एक नस्ल है। द शीप आर, अच्छा ये हो गया है, शीप ऑफ गुड ब्रीड ये हो गया है। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, अच्छा फिर क्या है, वंस रियर्ड शीप, जो भेड़ होते हैं उनके शरीर पे मोटे मतलब कि क्या होती है, मतलब कि मोटे परते होते हैं, किसके होते हैं, रोए के मतलब कि मोटे परत होते हैं, जब वो मतलब कि बढ़ जाते हैं, यही ना कह रहा है, वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब जो भेड़ होते हैं उनके बॉडी पे जब मोटा मोटा परत हो जाता है, ऊन का जब मोटा परत
हो जाता है, यील्ड हो जाता है, यानी उपज जाता है, तो क्या होता है, हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। तो उसी भेड़ के ऊन को क्या करते हैं, सेव्ड ऑफ, यानी कि उसको ऊन के प्रयोग के लिए काट देते हैं, यह काटा जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना भूलिएगा अपने अच्छे दोस्तों के पास। थैंक यू।